नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग दिया जा रहा था? क्या इन सब के पीछे रिया चक्रवर्ती थी? कई सारे सवाल हैं जो फिलहाल ईडी, सीबीआई और अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे का राज क्या है। अब जो व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है, उस व्हाट्सएप मैसेज के अनुसार तो ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती किसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल एक जो रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप मैसेज है उसे रिट्राइव किया गया, मैंने ऐसा मैसेज जिसे डिलीट कर दिया जाता है फोन से, लेकिन उसे वापस इजाजत लेकर वापस पढ़ा जा सकता है। और जो उस मैसेज में दिख रहा है उसमें रिया जिससे बात कर रही है उसमें एक ड्रग्स का जिक्र किया गया है जिस ड्रग का नाम है MDMA, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उसे अगर उसके 4 ड्रॉप्स को कॉफ़ी या चाय में या पानी में सिप करा दिया जाए तो 30-40 मिनट के बाद ही वह किक मारेगा, यानी कि आपको उससे नशा हो सकता है। अब सीबीआई और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस एंगल से भी जांच कर सकती है कि क्या इस पूरे मामले में किसी ड्रग्स रैकेट का भी हाथ है। क्या कुछ लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं सीबीआई से, या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे पर्दा हटना अभी बाकी है, क्योंकि आज सीबीआई जांच का 6ठा दिन है और अभी तक लगातार नीरज से, पिठानी से सीबीआई सवाल जवाब कर ही रही है, बल्कि अब तो आमने सामने बिठाकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के इंडिविजुअली जवाब अलग अलग आए थे। जो सूत्रों से पता चला था वो यही था कि दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। इसके बाद अब इसमें ड्रग्स एंगल भी घुसता हुआ दिख रहा है। ड्रग्स एंगल का जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपने ट्वीट में किया था। उन्होंने भी एक शख्स का जिक्र किया और कहा कि पूछताछ उससे भी होनी चाहिए, क्या इसमें कोई ड्रग्स एंगल है, क्या रिया सच में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे रही थी या इसके पीछे कोई और थ्योरी है। फिलहाल अब जांच जो है इस एंगल से भी होने वाली है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच करेगा और इस मैसेज की सत्यता की भी जांच करेगा कि आखिर इस मैसेज के मायने क्या थे, क्या रिया सच में किसी ड्रग डीलर से बात कर रही थी, क्या रिया खुद ड्रग्स ले रही थी। हालांकि रिया के वकील का कहना है कि रिया ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, आप चाहें तो उनका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अब सवाल कई हैं, इस मैसेज के पीछे का राज क्या है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की भी गुत्थी क्या है। यह गुत्थी अब उलझती जा रही है हर दिन, जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है हर दिन कुछ नया खुलासा होता जा रहा है। और अब लेकिन एक बात तय है कि इन सभी बातों से पर्दा तभी हटेगा जब रिया सीबीआई के सामने पूरी बात सच सच बताए और इन चैट के बारे में भी बताए कि इस चैट के मायने क्या थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।